मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दौरा कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनाते हैं। के मंत्र को जमीनी हकीकत पर उतारने के लिए पूरी ताकत लगाई। आज उसका परिणाम है कि 95% से अधिक रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास है। सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश अब तक कर चुका है। 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने अब तक संपन्न किए हैं। हमने अपनी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाया है। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, अकेले 24 घंटे के अंदर आज प्रदेश में 3,57,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं, यानी ये सर्वाधिक टेस्ट है। कोरोना चेन के संक्रमण को ब्रेक करने के लिए टेस्ट आवश्यक है और उसी दृष्टि से यह अभियान हमारे निरंतर आगे चल रहे हैं। एक तरफ ट्रेस निगरानी समितियों को हम लोगों ने मई प्रथम सप्ताह में ही गांव गांव भेज दिया था। इन्होंने अच्छा काम किया है। कोरोना चेन को ब्रेक करने में जहां पर जो मिला वहीं पे उसके उपचार की व्यवस्था, मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था उन्हीं के माध्यम से, और हर एक स्तर पर चाहे स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई हो, चाहे निगरानी समिति के द्वारा समय पर हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा उपलब्ध करवाने, 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम के द्वारा वहां पर उन लोगों का एंटीजन टेस्ट करवा लेना, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर जहां प्रारंभ हुए आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में सभी विशेषज्ञ मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, यहां की स्थिति अत्यंत खराब हो जाएगी, आज पिछले 24 घंटे के अंदर मात्र 3,300 केस ही उत्तर प्रदेश में आए हैं, जबकि आशंका व्यक्त की जाती थी कि लाखों की संख्या में आएंगे। इसी प्रकार से एक्टिव केस के बारे में भी ये लोगों का यह मानना था कि 10 मई तक उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। आज 26 मई है, आज उत्तर प्रदेश में कुल 62,000 एक्टिव केस बचे हैं। यानी हमारा जो कोरोना प्रबंधन के प्रति जो नीति हम लोगों ने अपनाई और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जहां इस पर हम कार्य कर रहे हैं वहीं कोरोना के बाद जो कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं, एक बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई और इसने काम करना प्रारंभ किया है। ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था भी हम लोगों ने हर उस जनपद में जहां पर ब्लैक फंगस से जुड़े हुए पेशेंट मिले हैं वहां पर भी वह सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। प्रदेश में इस समय 500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं उनके उपचार की व्यवस्था चल रही है और इस उपचार को भी हम कोरोना के उपचार की तरह ही फ्री में शासन इसको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा थर्ड वेव की जो आशंका है उसके लिए हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड्स के पीकू के निर्माण की कार्रवाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 25 से 30 बेड के पीकू के निर्माण की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा कुछ CHCs को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं जहां से लोगों को या बच्चों को वहां पर स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके इसके लिए 108 की 75% एम्बुलेंस हम लोगों ने कोविड कार्य में लगाया है।
महिला और बच्चे उनके लिए विशेष रूप से 102 की 2200 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। उनके लिए हर जनपद में एक डेडिकेट नॉन कोविड हॉस्पिटल आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि भी अत्यंत संवेदनशील है। हम लोगों ने 4 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से इन सभी जनपदों में पीकू और मिनी पीकू के निर्माण की कार्रवाई संपन्न की है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए हैं, सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था की है। जो भी मैन पावर या जो भी चिकित्सा पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ इसमें लगा हुआ है उन सब के प्रशिक्षण की भी कार्रवाई की है। आगे थर्ड वेव के लिए भी और इंसेफ्लाइटिस की संभावित स्थिति को ध्यान में रखने के लिए भी हम लोगों ने यह कहा है कि हम लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि मैन पावर का प्रशिक्षण भी साथ साथ चलना चाहिए। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर सीएससी भी हम कोविड के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के लिए उनको भी तैयार रखेंगे। ये व्यापक समीक्षा यहां पर हुई है। हम लोगों ने स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। यद्यपि ये विगत वर्ष से ही प्राथमिकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये कार्रवाई वर्तमान में कोरोना की चेन को ब्रेक करने में मदद करेगा और भविष्य में बरसात के बाद यह इंसेफ्लाइटिस मलेरिया डेंगू कालाजार चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने में भी ये मदद करेगा। इंसेफ्लाइटिस प्रभावित गांवों में अभी से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करवाना, व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी वहां आगे बढ़ाना, इन सभी के बारे में आज यहां पर विचार विमर्श हुआ। जो कार्य जिला प्रशासन ने किया उसकी समीक्षा की गई और क्या बढ़ोतरी इसमें हो सकती इस पर भी उन्हें बताया गया है। कम्युनिटी किचन, कोरोना कर्फ्यू के दौरान होटल रेस्टोरेंट बंद है, मरीज के परिजन कहां भोजन पाएंगे, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रिक्शा ई रिक्शा स्ट्रीट वेंडर, इन लोगों के पास अपने साधन नहीं होंगे तो उनको लोग उनके कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने, हर जरूरतमंद को भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जून जुलाई अगस्त में निःशुल्क खाद्यान्न हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने के साथ ही जितने भी श्रमिक हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर हैं और अन्य प्रतिदिन मेहनत करके कमाने खाने वाले उन लोगों के लिए भी भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था सरकार ने जून महीने में प्रारंभ की है। ये सभी कार्रवाई हमारे साथ साथ चल रही है। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है, कोरोना के दौरान उन्होंने बेहतर कार्य किया, किसी एक सीएससी अपनी विधानसभा क्षेत्र में